Muscles of the front of forearm, part 2. Introduction. Previous video में हमने superficial group of muscles discuss किए थे, जिनमें pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor carpi ulnaris और flexor digitorum superficialis शामिल हैं। इस वीडियो में हम डीप ग्रुप ऑफ मसल्स डिस्कस करेंगे, जिनमें फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसस लॉन्गस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस शामिल हैं। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस 1। ये मसल फोरआर्म का सबसे पावरफुल और बल्की मसल होता है। ये अल्ना के शेफ्ट की एंटीरियर और मीडियल सरफेस के अपर 3/4 पार्ट से अल्ना की पोस्टीरियर बॉर्डर के अपर 3/4 पर प्रेजेंट कॉमन एपोन्यूरोटिक ओरिजिन से अल्ना के कोरोनॉइड और ओलिक्रिनॉन प्रोसेसेस की मीडियल सरफेस से और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की एंटीरियर सरफेस के एडजॉइनिंग पार्ट से ओरिजिनेट करता है। कॉमन एपोन्यूरोटिक ओरिजिन पर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस भी मिलते हैं। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस 2। ये मसल थंब को छोड़कर मीडियल फोर फिंगर्स के लिए फोर टेंडन्स में एंड करता है। ये टेंडन्स फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से पास होकर पाम में एंटर करते हैं। इंडेक्स फिंगर का टेंडन बाकी टेंडन से फोरआर्म में सेपरेट हो जाता है, जबकि बाकी तीन टेंडन्स पाम में सेपरेट होते हैं। प्रॉक्सिमल फैलिंग्स के सामने ये टेंडन उस फिंगर के फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के टेंडन को परफोरेट करते हुए डिस्टल फैलिंग्स की पामर सरफेस के बेस पर इंसर्ट करता है। जब फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट को फ्लेक्स करता है, तो उसके बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल डिस्टल फैलेंजेस का फ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट और कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट को भी फ्लेक्स करता है। एक्सटेंडेड रिस्ट के साथ ये एक इफेक्टिव ग्रिपिंग मसल की तरह काम करता है। फ्लेक्सर पॉलिसस लॉन्गस, ये फोरआर्म की रेडियल साइड पर मिलने वाला यूनिपिनेट मसल है। ये मसल रेडियस के शेफ्ट की एंटीरियर सरफेस के अपर 3/4 से ओरिजिनेट करता है और ये इंटरोशियस मेम्ब्रेन की एंटीरियर सरफेस के एडजॉइनिंग एरिया से भी ओरिजिनेट करता है। इसका टेंडन फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से पास होकर पाम में एंटर करता है। ये थंब के डिस्टल फैलिंग्स की पामर सरफेस पर इंसर्ट करता है। फ्लेक्सर पॉलिसस लॉन्गस अकेला मसल है जो कि थंब के इंटरफेलेंजियल जॉइंट को फ्लेक्स करता है। इसके अलावा ये थंब के मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट को और रिस्ट के कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट को भी फ्लेक्स करता है। प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ये एक स्मॉल फ्लैट और क्वाड्रिलेटरल मसल है। प्रोनेटर क्वाड्रेटस अल्ना के शेफ्ट की एंटीरियर सरफेस के लोअर 1/4 पर मिलने वाली ऑब्लिक रिज और उसकी मीडियल साइड के एरिया से ओरिजिनेट करता है। सुपरफिशियल फाइबर्स रेडियस की एंटीरियर सरफेस और एंटीरियर बॉर्डर के लोअर 1/4 पर इंसर्ट करते हैं, जबकि डीप फाइबर्स अल्नर नॉच के ऊपर मिलने वाले ट्रायंगुलर एरिया में इंसर्ट करते हैं। सुपरफिशियल फाइबर्स फोरआर्म को प्रोनेट करते हैं। डीप फाइबर्स रेडियस और अल्ना के लोअर एंड को बाइंड करते हैं, स्पेशली जब हैंड वेट बेयरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। निमोनिक, इससे पहले के वीडियो में हमने फोरआर्म के सुपरफिशियल मसल्स के लिए एक निमोनिक डिस्कस किया था। उसी निमोनिक को एक्सटेंड करते हुए हम डीप मसल्स को भी साथ में याद कर सकते हैं। ये एक्सटेंडेड निमोनिक इस तरह है। Professors fail pupils for fun, forgive and forget professors. यहाँ words के पहले letter से सारे anterior forearm muscles याद आते हैं,
जैसे कि प्रोफेसर्स पी से शुरू होता है और उससे प्रोनेटर टीरीज याद आता है। उसी तरह पेल से फ्लेक्सर कापाई रेडियालिस, प्यूपिल से पामेरिस लॉन्गस, फॉर से फ्लेक्सर कापाई अल्नारिस, फन से फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फॉरगिव से फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फॉरगेट से फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और प्रोफेसर से एक प्रोनेटर क्वाड्रेटस याद आते हैं। धन्यवाद।